बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय के पार्ट वन के छात्र 19 से 22 के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि परीक्षा कब से शुरुआत होगी और उससे पहले परीक्षा फॉर्म कब से भरे जाएंगे। जैसा कि यूनिवर्सिटी ने कहा था कि दिसंबर में ही परीक्षा ली जाएगी और जनवरी के महीने में 19 से 22 वाले का रिजल्ट दिया जाएगा। सच तो यह है फ्रेंड्स कि आप कितने स्टूडेंट हैं सेशन 19 से 22 वाले बिहार विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेज में, उसका एक एक्यूरेट डेटा यूनिवर्सिटी के पास अभी तक के नहीं पहुंची है। साथ ही आपका पार्ट वन में रजिस्ट्रेशन होता है, सिर्फ पार्ट वन में ही होता है, और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप पार्ट टू का भी एग्ज़ाम देंगे और पार्ट थ्री का भी एग्ज़ाम देंगे। पार्ट टू में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा, पार्ट थ्री में भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, सिर्फ एडमिशन और परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। तो अब तक के आप तमाम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब तक के यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पाया है। कल प्रभात खबर में एक रिपोर्ट छपी थी जिसके मुताबिक यह बताया गया था कि मात्र 22 ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने आपके डेटा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी तक पहुँचाई है और शायद उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉट हो गया हो, लेकिन अभी भी 26 कॉलेज ऐसे बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक के अपनी डेटा ही नहीं दिया यूनिवर्सिटी को कि कितने स्टूडेंट उसमें हैं और कितने का रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक क्लिक में परीक्षा की सूचना भेजेगा अभी उसे विद्यालय। आप तमाम छात्रों के लिए ये योजना है और प्लानिंग किया जा रहा है कि ऐसा व्यवस्था किया जाए कि आपका नंबर भी अपडेट रहे वेबसाइट पर और सारी डेटा अप टू डेट रहे यूनिवर्सिटी के सिस्टम में, और जो भी इन्फॉर्मेशन हो एक क्लिक करते ही सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके लिए ज़रूरी होगा वो आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। ये कब से कामयाब होगी वो तो बात की बात है, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन में नज़र डालते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि माजरा क्या है पार्ट वन एग्ज़ाम को लेकर के। आप देख पा रहे हैं कि बिहार विश्वविद्यालय छात्रों के पास एक क्लिक में अब परीक्षा से लेकर के रिजल्ट की सूचना भेजेगा। इसके लिए सभी कॉलेजों से छात्रों का डाटा मांगा गया है। डाटा आने के बाद सत्र 19 से 22 के पार्ट वन के छात्रों का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, यानी अब तक के एक्यूरेट आपके डेटा भी यूनिवर्सिटी के पास नहीं है इसलिए परीक्षा फॉर्म नहीं भरे जा रहे। आगे कि विश्वविद्यालय के UMIS कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर ललन कुमार झा ने बताया कि अभी 26 कॉलेजों से डाटा नहीं आया है, इस कारण छात्रों का फॉर्म भराने का काम शुरू नहीं हुआ है। कोऑर्डिनेटर ने बताया कि 22 कॉलेजों ने छात्रों का डाटा और रजिस्ट्रेशन विश्वविद्यालय को भेजा है, लेकिन 26 कॉलेज को बार बार रिमांड भेजने के बाद भी डेटा नहीं भेज रहे, इनमें कई बड़े कॉलेज भी शामिल है और नीचे और भी चीज़ें हैं लेकिन हम इस पर नज़र नहीं देंगे। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं कि 22 कॉलेजों का किया जा चुका है रजिस्ट्रेशन, यानी 22 और 26 टोटल जो कॉलेज में एडमिशन हुआ है 19 से 22 वालों का, उनमें से मात्र 22 कॉलेज के स्टूडेंट ही अभी उनका रजिस्ट्रेशन हो पाया है। 26 कॉलेज के स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन अब तक के नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर ने बताया कि 22 कॉलेजों के छात्रों का रजिस्ट्रेशन पार्ट वन में किया जा चुका है। इन कॉलेजों ने पहले ही छात्रों का डाटा भेज दिया था, अब 26 कॉलेजों से छात्रों का डाटा आ जाए तो रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी करीब 40,000 छात्रों का रजिस्ट्रेशन फंसा हुआ है, तो 40,000 छात्रों को जब तक ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलते हैं तब तक के किसी भी हालत में पार्ट वन का परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये गारंटी है। क्योंकि पार्ट वन का फॉर्म जब भरा जाता है तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि छात्रों का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन हो। आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं और वहाँ पर यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता है तो आपके एडमिशन की कोई मान्यता नहीं होती है जब तक रजिस्ट्रेशन आपका हो जाए कम्प्लीट पूरी तरीके से। तो दिसंबर में भी परीक्षा फॉर्म फिलअप होना शुरू होगी या नहीं होगी ये कहना अभी मुश्किल है। बाकी जो भी अपडेट आएगी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।